नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह। हम पंजाब की चुनावी यात्रा पर हैं। नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। और हमारे बीच जिनका मैं जिक्र कर रहा था, सरदार कुलजीत सिंह नागरा, छात्र राजनीति से उभरे हुए ऐसे बहुत कम शख्स मिलते हैं। उससे बड़ी बात यह है कि छात्र जीवन से संघर्ष करते हुए दो बार विधायक रहे और आज फिर मैदान में हैं। और पूरी यात्रा हमने देखी, पूरे गांव घूमे, आज सारा दिन इनके साथ लगाए। उससे इनको एक सूचना दे दें कि चरणजीत सिंह चन्नी जी को राहुल गांधी जी ने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया और वो आपके साथ पढ़ते भी रहे हैं, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी, तो ये तो डबल खुशी होगी आपको। मैं सबसे पहले परमपिता परमात्मा का और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने एक बहुत ही पढ़े लिखे, जो कि पीएचडी है, एमए, एलएलबी, एमबीए, पीएचडी है, मेरे ख्याल में पूरे देश में से जितने मुख्यमंत्री हैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा। और सबसे ज्यादा बात है कि हम्बल है, आपकी तरह भी हम्बल है। हमने तो हम्बल है, एक स्पोर्ट्समैन है, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन, हम लोग इकट्ठा खेलते रहे, पढ़ते रहे, और एक नीचे से निकला हुआ, उस सोसाइटी से निकला हुआ जिस सोसाइटी के लिए आज हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है और जिसके मन में कुछ करने का एक बहुत बड़ा मादा है, जो किसी के खिलाफ, किसी बुराई के खिलाफ स्टैंड भी ले सकता है, डरता नहीं है, और झुकने की जरूरत हो किसी अच्छी चीज के लिए तो झुक भी जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, कुलजीत सिंह नागरा वो शख्स हैं जो कि किसान आंदोलन में, पूरे भारत में ऐसे विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया और किसान आंदोलन के साथ पूरी तरह से जुड़े रहे। और आज किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है। जिस यूनिवर्सिटी में नागरा साहब पढ़े, उस यूनिवर्सिटी में मैं भी पढ़ा हूँ, इनका संघर्ष मैंने देखा है और इसी संघर्ष की बदौलत दो बार विधायक, तीसरी बार मैदान में। लेकिन किसान आंदोलन जो है, आप मानते हैं आज मुद्दा है, ऐसा लगता है कि लोग भूल तो नहीं गए शहादतें जी? देखिए, भूले नहीं है। इलेक्शन जो है पंजाब का, वो क्योंकि पंजाब के पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हो रहा है और किसान आंदोलन का जो असर है वो बीजेपी के खिलाफ है। पूरा पंजाब बीजेपी को वोट नहीं डालना चाहता, उस आंदोलन का ये असर है। मैंने रास्ते में देखा एक झंडा लगा था, लोगों ने झंडा उतार दिया बीजेपी का गांव में। मैं वही कह रहा हूं कि लोगों का जो गुस्सा है वो बीजेपी के खिलाफ है और बीजेपी के जो अलाइस है उनके खिलाफ है। वो उनको वोट नहीं डालना चाहते, वो उनको मिलना भी नहीं चाहते, वो उनके साथ भी नहीं खड़ा होना चाहते। लेकिन दूसरी बात ये है कि ये इलेक्शन है, ये लोकतंत्र है, और उस लोकतंत्र में क्योंकि जो किसान आंदोलन में जुड़ी हुई किसान यूनियंस थी और जो लोग थे, सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं थी, उन सब ने अपना अपना एक वो पक्ष रखा है कि जिसने जहां भी वोट डालनी है डालो। कुछ किसान ऑर्गेनाइजेशनों ने अपना एक संगठन बनाया, कुछ किसान ऑर्गेनाइजेशनों ने ये कहा कि हम तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, और कुछ सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने कहा कि हम आंदोलन के लिए तो इकट्ठे हैं लेकिन अगर कोई सियासत में जाना चाहे तो हम उससे अलग हैं। तो इसलिए, क्योंकि किसान आंदोलन जो रहा वो सियासी पार्टियों से अलग करके रखा गया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी पंजाब में से। तो जब पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो किसान आंदोलन का सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने बाहर से मतलब पूरा डट के सपोर्ट किया। अगर आज खुद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी तो उसके साथ भी तो वही व्यवहार होगा जो किसान आंदोलन में पॉलिटिकल पार्टियों के साथ किसान यूनियंस ने किया। तो इस वजह से कहीं ना कहीं पे बहुत बड़े वर्ग को ये लगता है कि किसान आंदोलन एक अलग जगह बात है और इलेक्शन में एज ए पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ना एक अलग बात है। तो इसलिए ये किसान, आपको जो लग रहा है कि असर नहीं है, असर है, लेकिन बीजेपी के अगेंस्ट है और बीजेपी के अलाइज के अगेंस्ट है। एक महत्वपूर्ण बात, आप तो ऐतिहासिक नगरी से आते हैं,
फतेहगढ़ साहब अपने आप में पंजाब नहीं दुनिया में काफी मशहूर है, लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, कैसे संवारा है फतेहगढ़ साहब को आपने? देखिए ये एक बहुत मतलब शहादत, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी शहादत की ये धरती है। यहाँ पे 7 साल के बच्चों ने, 9 साल के बच्चों ने और बुजुर्ग माता ने अपनी शहादत दी है बुराई के खिलाफ, जो अत्याचार के खिलाफ, जो लोगों का शोषण हो रहा था उसके खिलाफ, और जो अधर्म हो रहा था उसके खिलाफ। तो इस धरती का महत्व बहुत बड़ा है और इसके यहाँ पे दुनिया भर से लाखों लोग नतमस्तक होने के लिए हर रोज आते हैं। तो मैंने तो जब सियासत में कदम रखा तो मेरा सबसे पहला जो अपना एक मानना था, क्योंकि मेरे पिताजी और मेरे माताजी और मेरा पूरा परिवार जो गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब है वहाँ पे सेवा करते रहे, कार सेवा वाले बाबा जी आपने सुना होगा, बाबा जी हरबंस सिंह दिल्ली वाले जी, उनके साथ मेरे पिताजी यहाँ पे सेवा करते रहे। बहुत बड़ा दीवान हाल यहाँ पे बनाया बाबा जी ने, तो वहाँ पे हमने खुद मतलब टोकरी जो ईंट की रोड़ी बनाई जाती है वो खुद बनाई और की, और एक सेवा का जो एक मादा था वो चलता रहा। और हमारे पिताजी ने भी यही कहा कि अगर राजनीति में जाना है बेटा तो सेवा के माध्यम से जाना है। मैंने कभी राजनीति को बिजनेस नहीं बनाया, ये तो मैं उसका गवाह हूँ क्योंकि उसी विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ और आपको देखा है हमने। साफ सुथरी राजनीति करने का एक असूल जिंदगी में रखा, वो शुरू से है, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, यूथ कांग्रेस की, किसान कांग्रेस की राजनीति से लेके विधायक बनने तक और वर्किंग प्रेसिडेंट पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनने तक, CWC का मेंबर भी रहा, लेकिन मैंने कभी अपने आप को जमीन से नहीं अलग होने दिया। मेरी यही कोशिश रही कि ये ऊपर वाले की जो दया दृष्टि है अगर उसने मेरे को यहाँ पे लेके आया, मैं तो एक बहुत छोटे से किसान का बेटा हूँ, नॉन पॉलिटिकल परिवार से हूँ, मेरा तो एक ही मकसद था जो मेरी धरती है जहाँ पे मैं बड़ा हुआ, जहाँ पे मैं खेला, जिस इस पवित्र धरती पे मैं रहा, अगर मैं इसको नहीं संवारूंगा, तो क्या करूंगा। मैंने 2017 में 25 साल का डेवलपमेंट प्लान बनाया जिसमें टूरिस्ट सर्किट बनाया फतेहगढ़ साहब को, बहुत खूबसूरत बनाया हमने देखा, और उसके लिहाज से इसको डेवलप करना शुरू किया ताकि यहाँ पे टूरिज्म की इंडस्ट्री आए। फिर मैंने 130 एकड़ का इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल पार्क का निर्माण शुरू करवाया ताकि बड़ी इंडस्ट्री आए फार्मास्यूटिकल और लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि इस शहर में जो है रोजगार की बहुत बड़ी कमी है, यहाँ पे बिजनेस प्रफुल्लित नहीं हो रहा। ये बहुत बढ़िया जगह है, 250 किलोमीटर दिल्ली से है, नेशनल हाईवे पे है, नेशनल रेल लिंक पे है, एयरपोर्ट से 40 मिनट की ड्राइव है, इतना अच्छा इलाका है, आने पोटेंशियल इतना अच्छा है यहाँ पे इंडस्ट्री का और टूरिज्म का, बहुत बड़े मतलब यहाँ पे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, मतलब उसके लिए एक इतना बढ़िया माहौल है कि मैंने उसका जो एक प्लान बना के इसकी डेवलपमेंट शुरू की। सो दैट आप ये देखो कि 30 साल में यहाँ पे जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनता है तो बस अड्डा ही नहीं बनता जी, 30 साल से कोई भी सड़क इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की 4 लाइन नहीं होती, कहीं पे कोई डिवाइडर नहीं है, कहीं पे कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं है। अगर गंदा एक बहुत बड़ा गंदा, मैं वैसे एक गवाह है और मैंने वो कैमरे में उसकी फोटो ली है, आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिफ्लेक्टर लगाए हर जगह से कि ट्रैफिक डाइवर्जन अगर देखना है तो वो चीजें लगाई आपने। हाँ। ये पहली बार मैंने गांव में देखा है, शहर में तो मिलते नहीं, गांव में आपने व्यवस्था की, ये अच्छी बात है। मैं ये जानना चाहता हूं कि छात्र राजनीति से, संघर्षों से, आंदोलन से निकले हुए लोगों के लिए आप क्या एक संदेश देना चाहते हैं? मैं एक संदेश जरूर देना चाहता हूँ अपने साथियों को, जो छात्र राजनीति से निकलते हैं, जो यूथ राजनीति से निकलते हैं या आते हैं। देखिए ये एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है जिंदगी का, जो व्यक्ति नॉन पॉलिटिकल परिवार से है, साधारण परिवार से है, ये सोच के चले कि ये बहुत लंबा संघर्ष होगा उसकी जिंदगी का, 22 साल से लेके 20 साल से लेके 50 साल की एज तक वो शायद MLA ना बन पाए, क्योंकि ये जब तक सोच नहीं रहेगी तब तक कोई नया
नॉन पॉलिटिकल परिवार से और साधारण परिवार से राजनीति में आगे नहीं आएगा। हमारे जो लेकिन नौजवान आते कांग्रेस ने तो करके दिखाया। मैं बताता हूँ, जो नौजवान हमारे आते हैं वो जैसे ही राजनीति में कदम रखते हैं, चाहे वो छात्र राजनीति में रखें चाहे यूथ राजनीति में रखें, तो वो बहुत जल्दी विधायक और एमपी बनना चाहते हैं। इसके लिए कम से कम उनको 15 से 20 साल की तपस्या की जरूरत है। मैंने खुद की है, मैंने 46 ईयर्स में जाके मेरे को कांग्रेस ने टिकट दी, और मैं सच बताऊं आपको, मैंने 46 साल की उम्र तक टिकट मांगी ही नहीं। मैंने टिकट ही उस दिन मांगी जब मेरे को लगा कि मेरी जमीन नीचे तैयार है, मैं हारूंगा नहीं। मैं गवाह हूं कि आपने तो कैसे सड़कों पे आपने तो मैंने वो संघर्ष जो किया, और मैंने जब मैंने अपने आप को पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत बुरी तरह से मतलब संघर्ष के बीच में ला के अपने आप को यहां से उबारा, और फिर मैंने अपनी पार्टी को कहा, और मैंने एक बात भी कही अपने लीडर को कि मेरे को टिकट मेरी मेहनत की मिलनी चाहिए, किसी लीडर की दया दृष्टि की नहीं मिलनी चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन पार्टी ये फील करती है कि मेरे इतने लंबे संघर्ष के बाद मैं इलेक्शन में जा सकता हूं पार्टी का टिकट लेके, तो मेरे को सीधा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से टिकट मिलनी चाहिए, ना के पंजाब के किसी लीडर की सिफारिश। तो क्या ऐसा हुआ? ऐसा ही हुआ मेरे लिए। किसी को मैंने कभी, कैप्टन अमरिंदर सिंह तब अध्यक्ष होते थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह के कहते थे कि पत्ता नहीं हिलता उसके बिना, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस मुंह से कभी नहीं कहा कि मेरे को टिकट चाहिए। मैंने अप्लाई किया और पार्टी ने मेरे को टिकट दी। ये कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी है। लोग कहते हैं कुछ भी, लेकिन कुलजीत सिंह नागरा एक गवाह है जिसको कांग्रेस पार्टी ने मेहनत के बल पे खुद पहचाना, और विरोध के बावजूद पूरा विरोध किया मेरा पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने, उस वक्त के अध्यक्ष ने और लोगों ने कि ये मतलब हमारे पास आया नहीं है। तो मैंने एक ही बात कही अपने लीडर को, राहुल गांधी जी को, अगर मेरी मेहनत की टिकट बनती है तो मेरे को पार्टी दे, अगर मेरे को किसी के टांग के नीचे से निकाल के टिकट देनी है तो कुलजीत नागरा टिकट नहीं चाहता। लेकिन इस बार भी मैंने कहा अपनी पार्टी को कि मेरे को, मैं दो बार का आपने मेरे को टिकट दी, दो बार मैं एमएलए हूं, अगर मेरे से अच्छा कोई कैंडिडेट फतेहगढ़ साहब में है तो पार्टी उसी को कंसिडर करे। मतलब बड़ा क्लियर हूं, पार्टी जब कहेगी, ये मेरी भगौती थोड़ा है फतेहगढ़ साहब, पार्टी जब कहेगी कब जब मर्जी, क्योंकि ये जो जब तक हम अपने आप को इन चीजों से निकालेंगे नहीं, हमारी प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम ये सोचने लग गए कि जब तक हम एमएलए और एमपी या मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं होगी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब तक आपकी शख्सियत लोगों के बीच में है तब तक आप बहुत कुछ हो, जब आपकी शख्सियत पे धब्बे लग जाएं तो आप चाहे मुख्यमंत्री हो बादल की तरह 5 बार के, तब भी लोग आपको रास्ते पे जाते हुए गालियां निकालेंगे। उस तरह के 5 बार के मुख्यमंत्री बनने से ईमानदारी की थोड़ी सी राजनीतिक जीवन ही बहुत होता है। आपका नागरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि हैट्रिक लगाएंगे आप, क्योंकि हमने इलाके में देखा जिस तरह से डेवलपमेंट किया, उम्मीद है जनता आपको वोट देगी और आप फिर चुनकर तीसरी बार हैट्रिक लगाकर विधानसभा पहुंचेंगे। एनसीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैंने छात्र जीवन में आपसे बहुत कुछ सीखा है ये मैं मानता हूँ, उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, आपको देखा हूँ संघर्ष करते हुए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका।